हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहले चैप्टर का छठा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है भैया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसका परावर्तन के नियम क्या होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि परावर्तन कहते किसे हैं, परावर्तन का परिभाषा क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है परिभाषा भैया, इसको हम फिगर से समझेंगे, इसका परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये कोई सतह है और सतह के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इधर बना रहा हूं फिगर को, ठीक है, क्योंकि जगह जितना आपको बच जाए उतना अच्छा रहेगा। यहां पे मान लेते हैं ये कोई सतह है, ठीक है। अब ये इस सतह पर, ये कोई सतह है, यहां पे मैं नाम लिख दे रहा हूं सतह है, ठीक है। इधर सतह पर पॉलिश किया गया है, लेप लगाया गया है, ठीक है। तो ये कोई सतह है, या इसे हम परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। तो इसमें ये बताया जाता है कि जब प्रकाश किरणें, मान लेते हैं ये कोई प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक है, जब प्रकाश किरणें कोई आती है तो देखिए आ रही है, अब जहां पर आकर ये सतह पर टकराएंगे, अब जिस सतह पर, जिस बिंदु पर टकराएंगे वहां से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभिलंब खींच लिया। तो जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इस घटना कोई हम क्या कहते हैं भैया, परावर्तन कहते हैं। मतलब हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन बहुत सिंपल कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें हैं, तो जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे ये क्या है भैया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रकाश किरणें हैं। तो मैं एक बार और डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और लिखिए। हम क्या कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसलिए मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखा है कि जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, इस किरण को, तो इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। मैं इसी कलर से लिख रहा हूं, ब्लैक से। इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, और इस वाले को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, और ये जो रेड कलर से लिखा गया है ये है लंब, लंब कहें या अभिलंब कहें, बात दोनों एक ही है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस याद रखेंगे, इस आई को हम कहते हैं आपतन कोण। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि आई इज इक्वल टू क्या कहते हैं, आपतन कोण। आर को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। तो आशा करते हैं इतनी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। इन सभी का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। यदि आपको ये नाम याद है तभी परावर्तन के नियम याद रखेंगे। याद रखेंगे जो परावर्तन के नियम होता है ना, यही आपसे पूछ लिया जाता है। आपको ये कहेगा कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, समझाइए, ठीक है। तो आपको समझाना होता है। तो याद रखेंगे परावर्तन के नियम आप तभी समझ पाएंगे जब आपको परावर्तन पता होगा। तो आप परावर्तन समझ लिए हैं इस फिगर के द्वारा। तो देखिए नियम क्या है, तो परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा है कि परावर्तन के नियम, परावर्तन के क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला नियम ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये है लंब या अभिलंब कहें। तो हम यही कह सकते हैं कि जो क्या कहेंगे, परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार, परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। देखिए ये एक ही सतह है, और इस पर इसे आपतित किरण कहेंगे, इसे परावर्तित किरण, और इसे अभिलंब। हम कह रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तो ये पहला नियम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहला नियम को लिखा है कि आप ऐसे लिखेंगे, परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया
प्रथम नियम। अब आता है द्वितीय नियम, क्या कहा गया है? तो द्वितीय नियम बहुत सिंपल है, इसमें ये बताया गया है कि जो आई होता है ना वो आर के इक्वल होता है, मतलब कि जो आई है वो क्या है, आर के इक्वल होता है। तो आई क्या है भैया, आपतन कोण है ना, आई क्या है आपतन कोण, और जो आर क्या है परावर्तन कोण। तो इसमें ये बताया गया कि आई जो होता है वो आर के इक्वल होता है, मतलब आई जो कोण है वो आर कोण के इक्वल के बराबर होता है। तो हम यही कहेंगे कि परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में समान होते हैं, माने आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं। आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण क्या है आर है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आशा करते हैं कि परावर्तन अपरावर्तन का जो दो नियम होते हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, क्योंकि एग्जाम आने वाला है तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज करा दिया जाए, फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी। तो भैया आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है कि क्लास 10th या क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो भी वीडियो है उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा चैप्टर वाइज सिक्वेंस में, और वहां से जाकर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि आप चाहते होंगे कि भैया चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को पढ़ा दिया जाए, ठीक है, सिलेबस वाइज सभी टॉपिक को आपको पढ़ा दिया जाए, तो इस नंबर पर आपको मैसेज करके मांग लेना है कि क्लास 12th या क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक करके मैसेज मांगेंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे और वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।